आज हम मिथाइलीन ब्लू की बात करने वाले हैं मैंने आज तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि ये कोई प्राकृतिक औषधि नहीं है ये एक सिंथेटिक ड्रग है लेकिन ये आपको बिना पर्चे के मेडिकल शॉप से मिल जाएगा बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें कुछ बेहतरीन गुण हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर मैं ग़लत नहीं हूं तो साल अठारह में इसकी खोज की गई थी और चिकित्सा के क्षेत्र में ये सबसे पहला सिंथेटिक ड्रग था सबसे पहले एंटीबायोटिक के रूप में इसका इस्तेमाल होता था सबसे पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है साल अठारह में इसे मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया गया आज के दौर में अगर किसी को साइनाइड या कार्बन मोनोक्साइड की पोइसनिंग हो जाती है तो डॉक्टर इसका तुरंत इस्तेमाल करते हैं ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बेहद दिलचस्प प्रभाव पैदा करता है कम मात्रा में ये एक, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है मैं यहाँ प्रति किलोग्राम वजन के आधार पर शून्य दशमलव पाँच मिलीग्राम से लेकर चार मिलीग्राम खुराक की बात कर रहा हूँ उदाहरण के लिए अगर मेरा वजन एक सौ पचासी पाउंड है यानी कि लगभग चौरासी किलो अगर हम गणित करें तो मुझे रोज़ाना कम से कम इसकी बयालीस बूंदों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये लिक्विड रूप में ही मिलेगा और इसकी एक बूंद से आपको शून्य मिलीग्राम मात्रा मिल जाएगी अगर मुझे इसकी खुराक लेनी है तो मैं दिन में चार बार थोड़े पानी में इसकी दस बूंदें मिलाकर पीऊँगा अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो आप इसका यूएसपी फार्मास्यूटिकल ग्रेड एक परसेंट सोल्यूशन खरीद सकते हैं जिससे आपको इसकी प्रति ड्रॉप शून्य दशमलव पांच मिलीग्राम मात्रा मिल जाएगी चलिए बात करते हैं कि मिथाइलिन ब्लू किन स्थितियों में आपकी मदद कर सकता है इनमें शामिल है सेप्टिक शॉक खासकर यदि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया है एनाफिलैक्सिस, एनाफ्लिक शॉक गंभीर एलर्जी रिएक्शन अगर किसी के शरीर में वायरस है तो ये उसकी मदद कर सकता है क्योंकि इसमें बेहद शक्तिशाली एंटीवायरल गुण होते हैं ये ब्रेन फॉग या की कमी के लिए बहुत अच्छा है ये डिप्रेशन में आपकी मदद कर सकता है ये कैंडिडा की भी रोकथाम करता है ये उन टिश्यूओं के लिए भी बेहद प्रभावशाली साबित होता है जिन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है मैं थोड़ी देर में इसके बारे में आपको बताऊंगा जैसे कि न्यूरोडिजेनेटिव बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर और पार्किंसन बीमारी ये गठिया के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये यूरिक एसिड को तोड़ने में मदद कर सकता है कम मात्रा में ये एक एंटी और सूजन रोधी की तरह काम कर सकता है आमतौर पर जिस भी स्थिति में माइटोकांड्रिया खराब होने लगता है वहां मिथाइलिन ब्लू मदद कर सकता है मैं ये समझाना चाहता हूं कि यह कैसे काम करता है ये शरीर में क्या करता है यह वास्तव में बड़ी दिलचस्प बात है यह शरीर में आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन रिसाइकलर का काम करता है मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं मान लेते हैं कि आपके पास एक बैटरी है और बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इन्हें बैटरी में जमा किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से आप एनर्जी पैदा कर पाते हैं आपके शरीर और माइटोकांड्रिया में भी इलेक्ट्रॉन्स बहते रहते हैं आपका शरीर खाने को इलेक्ट्रॉन्स में बदलता है एनर्जी के लिए एटीपी के कण में ये जमा रहते हैं हमारे माइटोकांड्रिया में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर और एक्सचेंज होता रहता है मिथाइलीन ब्लू में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने और जोड़ने की काबिलियत होती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर के किस हिस्से को इनकी जरूरत है और किसे नहीं है मिथाइलिन ब्लू इलेक्ट्रॉन्स की उथल पुथल को नियंत्रित करने का काम करता है जिसे मेडिकल भाषा में रिडक्स साइकिलिंग कहते हैं इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिससे किसी थके हुए इंसान को ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है क्योंकि हम माइटोकांड्रिया की बात कर रहे हैं यह आपके मेटाबोलिज्म का केंद्र बिंदु है खाने को एनर्जी में बदलने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है इसलिए मिथाइलिन ब्लू माइटोकांड्रिया को ऑक्सीजन सोखने और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ये शरीर द्वारा ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की क्षमता में सुधार करता है आप सोच ही सकते हैं कि ये कैसे कई समस्याओं में आपकी मदद कर सकता है हमें यहां कुछ मतभेद भी देखने को मिलते हैं अगर कोई इंसान डिप्रेशन के लिए ऐसे साराई दवा ले रहा है तो उसे ये मिथाइलिन ब्लू नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा सेरोटोनिन की बढ़ोतरी इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है ऐसी कोई भी चीज लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें ताकि आपको किसी मतभेद का सामना न करना पड़े मैं बस आपको इसकी जानकारी देना चाहता था ताकि आप इसे थोड़ा ज्यादा समझ पाए आप इस पर लिखी एक किताब भी खरीद सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं मुझे लगता है कि इससे कई लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जुड़ी कई समस्याएं हैं क्योंकि अभी हम माइटोकांड्रिया की खराबी के विषय पर बात कर रहे हैं अगर आपने इस पर बना वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे यहां देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें